शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती। अखिलेश यादव का सरकार पर तंज, महंगाई ने कमर तोड़ दी फिर भी कहे सब चंगा सी। विदेशी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कम करे वैक्सीन की डोज के बीच अंतर, प्रियंका चतुर्वेदी। ओरेविले फाउंडेशन तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए गुजरात के स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि। यूपी में कोरोना के 1430 नए मामले, प्रदेश में अब 32,678 एक्टिव केस। जरूरतमंद छात्रों की सहायता के लिए 8 हफ्ते में बनाए फंड, एनएमसी को एससी का आदेश। महाराष्ट्र में शादी समारोह में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, बीजेपी विधायक महेश लड़ंगे पर एफआईआर। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार ने दी इजाजत। सागर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के पिस्टल का लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू की। यूपी में बीजेपी हाईकमान की बैठक आज भी जारी, पार्टी दफ्तर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। भारत में कोरोना के 1.27 लाख नए केस, पिछले 24 घंटे में 2,795 लोगों की मौत। बिहार कैबिनेट की बैठक आज, पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यालय बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में गिरा जर्जर भवन, हादसे में 6 घायल, 2 की हुई मौत।
सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में EWS कोटे का फायदा उठा सकता है मराठा समुदाय। यूपी में 14 जिलों में जारी रहेगा कर्फ्यू, 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों को छूट नहीं। मिजोरम में कोरोना के 312 नए केस, कुल मौतों का आंकड़ा 40 तक पहुंचा। एमपी में आज से अनलॉक की प्रक्रिया, भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान की आज से शुरुआत। ऐसे पहुंचा गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का मामला, नोटिफिकेशन को IUML ने दी चुनौती।